हाँ, भगदड़ तो बहुत तेजी से मचने वाली है। हर लोग अंदर से तराही माम मचा रहे हैं, जेडीयू के सारे विधायक तराही माम है कि कब नीतीश कुमार से छुटकारा मिले। सत्ता पक्ष तो अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दिया, दारू से लेके शराब, दारू, कपड़ा, सारी चीजें बांटना शुरू की। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज मतदान हो रहा था, मतदान अब खत्म हो चुके हैं। ऐसे में राजद ने एक बड़ा दावा कर दिया है। राजद से पूर्व विधायक है अबू दोजाना, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आपको वो सुनवाते हैं। बहुत जीत रहे, इतनी कोशिश की बिहार सरकार कि किसी सूरत से वाइट इज राइट करके, लेकिन जनता अपनी अड़ी रही और जनता ने हम लोगों को भारी बहुमत से दोनों सीट जिता के भेज रही है। सरकार लाख कोशिश की, उनके कोशिश करने के बावजूद भी जनता नहीं मानी। जनता राष्ट्रीय जनता दल के दोनों कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिता के भेज रही है। हर जगह हम लोग लीडिंग कर रहे हैं, हर बूथ पे हम लोगों की लीडिंग है। मतलब ये मानते हैं कि सत्ता पक्ष ने लाख कोशिश की थी रोकने की? सत्ता पक्ष तो अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दिया, दारू से लेके शराब, दारू, कपड़ा, सारी चीजें बांटना शुरू की सत्ता पक्ष ने, और उसके बावजूद भी जनता नहीं मानी और जनता राष्ट्रीय जनता दल के हक में वोट डाली और भारी बहुमत से हम लोग दोनों सीट जीत के आ रहे हैं और बिहार में हमारी सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि भगदड़ मचेगी जीत के बाद से, सही बात है? हाँ, भगदड़ तो बहुत तेजी से मचने वाली है। हर लोग अंदर से तराही माम मचा रहे हैं, जेडीयू के सारे विधायक तराही माम है कि कब नीतीश कुमार से छुटकारा मिले, कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले, कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ आऊं और उनकी सरकार में सहयोग देने की बात करूं। आपने सुना अबू दोजाना को, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि इन दोनों ही सीटों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर, आरजेडी के जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि ये दोनों सीट जीत करके आरजेडी जो है वो तख्ता पलट कर देगी, सरकार बना लेगी और वो जो अभी एनडीए की सरकार है उसे गिरा देगी मात्र ये दोनों सीट जीत करके। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेज थी, आज 4 बजे मतदान खत्म हो चुका है। ऐसे में कुछ वोटर जो लाइन में लगे हुए हैं वो अपना मतदान दे रहे हैं। अब राजद ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि उनकी सरकार बन जाएगी इन दोनों सीटों को जीत करके। तो 2 नवम्बर को नतीजे आ रहे हैं, देखना दिलचस्प हो जाता है कि 2 नवम्बर को कौन सी पार्टी विजयी होती है इन दोनों ही सीटों पर। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।